शुरू करें। सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पिछले लगभग 8-10 सालों से लगातार लोगों को पार्टी में सम्मिलित करने का कार्य यहाँ पर करता हूँ, लेकिन मेरे लिए आज विशेष इसलिए है कि जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है, वहीं के कांग्रेस पार्टी के विधायक, पूर्व मंत्री, 3 बार विधायक रहे आप, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, आज भी आपकी पत्नी जिला पंचायत की वहाँ से अध्यक्षा हैं, ऐसे राजेंद्र भंडारी जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम उनका पार्टी के अंदर स्वागत करते हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में हमारे दल के नेता, भारत के वाणिज्य मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी हम लोगों के मध्य हैं, उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी हम लोगों के मध्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी हम लोगों के मध्य हैं, मीडिया के हमारे को कन्वेनर संजय मयूख जी हम लोगों के बीच में हैं। सबसे पहले मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह राजेंद्र भंडारी जी को पार्टी की पर्ची देकर उनका स्वागत करें। साथियों, आपको एक और जानकारी भी मैं दूं कि जो गढ़वाल लोकसभा है जिसमें कि 14 विधायक हैं टोटल, उसमें 13 भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही थे, आज भंडारी जी के आने के बाद आज कांग्रेस के पास अब एक भी विधायक वहां से नहीं रह गए हैं, और ये हम सब के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि भंडारी जी हम लोगों के साथ शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वह मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आज इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के नेता आदरणीय पीयूष जी, आदरणीय दुष्यंत गौतम जी जो हमारे उत्तराखंड के प्रभारी हैं और पिछला विधानसभा का चुनाव भी आप ही के प्रभारी रहते हुए हमारा संपन्न हुआ, और हमारे राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी और अभी जिनको गढ़वाल लोकसभा से हमारी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, हमारे अभिन्न मित्र आदरणीय अनिल बलोनी जी, हमारे बहुत पुराने साथी संजय मयूख जी, और आज बड़ा सुखद अवसर है कि राजेंद्र भंडारी जी, जिनके बारे में अभी अनिल जी ने बताया, एक लंबा उनका राजनीतिक करियर है, जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे हैं, बहुत सामान्य स्थितियों में उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, लगातार 3 बार विधानसभा में और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के दायित्व में भी आपने काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर जो विकास के अनेक काम हुए हैं,
और उत्तराखंड में विशेषकर आपके पिछले 10 सालों के अगर कालखंड की बात करें तो जिस क्षेत्र से राजेंद्र जी अभी विधायक थे उसे इस्तीफा दे दिया है आज उन्होंने, तो बद्रीनाथ का मास्टर प्लान बनना हो, चार धाम ऑल वेदर रोडें बननी हो, या उत्तराखंड के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ना हो, वो सारे काम आपके आसपास भी हुए हैं, पूरे उत्तराखंड के लिए भी हुए हैं। केदारनाथ पुनर्निर्माण का काम पूरे देश के लोगों ने देखा है, तेजी से चला है। हेमकुंड साहब भी क्योंकि उसी जनपद में है जहां से आप विधायक हैं, वहां का रोपवे का काम चल रहा है, केदारनाथ रोपवे का काम चल रहा है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन भी चल रही है। ऐसे अनेक कामों से आपने प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की आज सदस्यता ली है। हम सभी, मैं अपनी तरफ से भी आपका बहुत स्वागत करता हूं, और ये हमारे लिए एक वातावरण तो हमारा पहले से ही बना हुआ है। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटें हम बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं, और राजेंद्र जी के हमारे परिवार में शामिल होने से पूरे हमारे उस लोकसभा क्षेत्र समेत उत्तराखंड के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक माहौल बनेगा। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आज जो है आज आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य हुए, हमारे परिवार के अंग बन गए। आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा आग्रह है आदरणीय पीयूष गोयल जी से कि वो मीडिया के साथी को संबोधित करें। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र भंडारी जी का, जिन्होंने वर्षों से उत्तराखंड की बद्रीनाथ धाम की सेवा की है। अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से अपने कार्यशैली से लोगों का दिल जीता, उससे बार बार तीन बार चुन के आना यही दर्शाता है कि इनकी लोकप्रियता और इनका प्रभाव अपने क्षेत्र में इनके काम के बल पर अभी भी बहुत ही तेज गति से बढ़ रहा है। इसी तरीके से इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में विकास का कार्य किया है, एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का कार्य किया, भारत की विरासत को विकास के साथ जोड़ते हुए फिर एक बार भारत की, हम सब की जो धरोहर है उसको संभालने संवारने का काम जो किया है, उससे प्रभावित होके, उससे प्रेरित होके आज माननीय राजेंद्र भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रतिबद्धता के साथ, इसी मेहनत के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकाल में लोगों में वही विकास की भावना से आप सेवा करते रहेंगे। राज्य सरकार ने गत वर्षों में जिस तरीके से उत्तराखंड को भारत के विकास के साथ जोड़ा है, हर उत्तराखंडी आज गर्व महसूस करता है और पूरे देश और विदेश तक से ये सूचनाएं आती हैं, और हमें तो कई बार रोकना पड़ता है कि भाई हम चुनाव अपने आप यहाँ जीत देंगे, आप सब लोग मत आ जाइए यहाँ पे, नहीं तो आज जिस प्रकार का रिस्पांस उत्तराखंड में मिल रहा है, चुनाव का प्रचार थोड़ा बहुत जो शुरू हुआ है उसमें अनुभव आ रहा है, मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की लोकप्रियता सही माने में भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाइयों पे उत्तराखंड में लेके जा रही है। आज दिन रात एक करके देश 140 करोड़ भारतवासियों के कर्तव्य भावना से अमृतकाल में विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और इस प्रवाह में देश भर से कई सारे नेता जो चाहते थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, एक भारत जहां नारी का सम्मान हो, हमारी नारी देश की विकास यात्रा में सहभागी हो, जो चाहते थे कि हमारा जो
वर्षों वर्षों से सपना है राम मंदिर बनने का वो पूरा हो, जिनके मन में तीव्र भावना थी कि देश की एकता और एकजुटता को और प्रबल बनाया जाए, 370 समाप्त हो, ऐसे देशभक्त, ऐसे देश हित की सोचने वाले हमारे जो कई साथी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, मैं उन सभी को साधुवाद करता हूं। राजेंद्र भंडारी जी ने जो कदम उठाए उसके लिए उनको भी बधाई देता हूं, और पुनः एक बार ये कहते हुए कि अब उन्हें डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार में सभी लोग देश हित और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दिन रात एक करके समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचे, हर वर्ग का भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए जुटे हैं। और इनकी कार्यशैली को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है ये इसी तरीके से हम सब के साथ मिलके उत्तराखंड को और तेज गति से बढ़ाने में काम करेंगे। 14 के 14 MLA मुझे विश्वास है कि आपने रिजाइन तो किया है, पर बद्रीनाथ पुनः एक बार हम जीत के आएंगे। 14 के 14 MLA गढ़वाल के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, सहयोग में खड़े हैं, और हमारे प्रत्याशी वहां के अनिल बलूनी जी हम बनाएंगे वहां पे, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभेच्छा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पांचों उत्तराखंड की सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की झोली में देते हुए फिर एक बार मोदी 400 पार जाके एक देश के उत्साह को नया रूप, नया स्वरूप, नए रंग देने का काम उत्तराखंड करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पीयूष जी। मेरा राजेंद्र भंडारी जी से आग्रह है कि मीडिया के साथियों को संबोधित करें। आदरणीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी, हमारे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, हमारे पौड़ी लोकसभा के प्रत्याशी और राज्यसभा सांसद भाई अनिल बनोली जी, आप सबका आभार करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूं। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की विरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है, ये सभी भारत की सदी है, ये सभी भारत की सदी है, इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है, और मैं आज इस परिवार में विधिवत शामिल हुआ हूँ। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने देश के विकास के प्रति समर्पित इस भाजपा परिवार में शामिल कर मुझे राष्ट्र का अवसर, राष्ट्र सेवा का अवसर देने का मौका दिया। मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस परिवार में शामिल होकर देवभूमि उत्तराखंड का और देश की सेवा का अवसर प्रदान किया। मैं पार्टी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उत्तराखंड के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए और जन जन की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम करूंगा, और भाजपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की मजबूत के लिए काम करने के हित औषधि तत्पर रहूंगा। मैं पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से, जो हमारे आदरणीय अनिल बलूनी जी को प्रत्याशी बनाया गया है, विश्वास दिलाता हूं कि रात दिन काम करूंगा और एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति को पौड़ी लोकसभा में टिकट दिया गया है, और एक पहली बार ऐसे स्वच्छ छवि के लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जहां पंचबद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग है, उस देवभूमि में हमारे आदरणीय बलूनी जी लाखों मतों से जीत करके आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार पुनः सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी मीडिया के साथियों का भी बहुत बहुत आभार।